सर तुम्हारे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 को। और इससे पहले आप हमारे अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें। तो हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले हम इसे और इसे लेके हल करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो हमारे क्वेश्चन में दो समीकरण दिया हुआ है। पहला है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण एक मानेंगे इसे। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। हमारे क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि किस विधि से क्वेश्चन को हल करना है, इसलिए हमें पांचों विधियों में से जो आसान लगे उससे हल कर लेंगे। तो हम लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर ले रहे हैं। करण विधि से आप चाहे तो पांचों में से किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमेशा एक ही आएगा इसका। तो जब लुप्तीकरण विधि से हम सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें हम पदों को बराबर करते हैं। ये पद लेंगे, एक चार लेंगे तो चार में एक संख्या कर देंगे समीकरण एक में, और तीन लेंगे तो समीकरण तीन लेंगे तो समीकरण दो में तीन संख्या कर देंगे। मतलब इससे इसमें गुणा करते हैं और इससे इसमें गुणा कर देंगे। तो उसी तरह हम इसे लेंगे तो इसे इसमें गुणा करेंगे और इसे इसमें गुणा करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है ये दोनों पद समान है तो इसे गुणा नहीं करेंगे, और इन दोनों के आगे प्लस है तो हमने पढ़ा है अगर समान चिन्ह हो तो हमने घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। तो ये दोनों पद ये चिन्ह के दोनों आगे प्लस है तो इसे हम घटा लेंगे। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो अब ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे। अब ये प्लस प्लस है तो ये 7y हो जाएगा बराबर, ये भी प्लस प्लस है तो इसे जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 35। अब हम 75 करके y का मान निकालेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 5। अब हम y के मान को या तो समीकरण एक में रख के x का मान निकाल लें या तो समीकरण दो में रख के x का मान निकाल लें, किसी में भी रख के मान निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण एक में रख के मान निकाल लेता हूँ y का मान समीकरण एक में रखने पर। जब हम y का मान समीकरण एक में रखेंगे तो y का मान होगा जहां y के स्थान पर उसे रख देंगे। तो हमारा समीकरण एक है 2x + 3y बराबर 11, तो हम y के स्थान पर y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 × 5 बराबर 11। ये हो जाएगा 2x 15 + 15 बराबर 11। अब क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो 15 है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब 11 में से -15 घटाएंगे तो हमारा -4 आएगा। अब दो इधर गुणा के रूप में है बराबर हो जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा तो -4/2 कटा लेंगे हमारा आ जाएगा -2। तो अब हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हम x और y का मान समीकरण इसमें रख देंगे। तो हम इसे तो समीकरण y बराबर m x प्लस 3 में एक्स वाई का मान रखने पर। तो हम करेंगे क्या, एक्स के स्थान पे एक्स का मान रख देंगे और वाई के स्थान पे वाई का मान रख देंगे तो हमारा एम का मान आ जाएगा। तो समीकरण में वाई के स्थान पे हम वाई का मान रखेंगे तो हमारा वाई का मान 5 है, 5 और बराबर एम, और एक्स का मान हमारा -2 है और +3 हो गया। तो ये इसे हम इधर लेते चले आएंगे बराबर की इस तरफ तो ये -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में, ये हो जाएगा -2m, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर ये -2m हो जाएगा
तो हम इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस टू माइनस एक इधर आ जाएगा और बटे दो कट जाएगा बराबर m, ये हो जाएगा हमारा माइनस वन बराबर m, तो हमारा m का मान माइनस एक है हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे माना पॉली संख्या बराबर x दूसरी संख्या बराबर y। तो हमारे लिखेंगे प्रश्न से, तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या ये है और दूसरी y, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26 हमारा ये समीकरण एक हो जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक ये संख्या आई और दूसरी इस संख्या के 3 गुनी है। तो पुनः प्रश्न से प्रश्न से तो हो जाएगा x बराबर 3y, तो इसको बराबर की इधर ला देंगे तो हो जाएगा y बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 का ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम एक और 2 से तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है बता दिया है, तो हम इसमें से कोई भी समीकरण कोई भी एक ले सकते हैं। तो समीकरण एक ले लेना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लेंगे तो लिख लेंगे समीकरण 1 को बराबर 26। अब हमें पक्षांतर करना है, या तो y को इधर लेके चले जाए या तो x को इधर लेके चले जाए, तो हम x को इधर ही छोड़ देते हैं और y को बराबर के उस तरफ लेते चले जा रहे हैं, तो ये हमारा x का मान निकल गया। अब हम x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x के स्थान पे ये मान रख देंगे तो ये हो जाएगा f, लिख देंगे इसको पहले समीकरण को लिख देंगे माइनस 3y बराबर 0। अब x के स्थान पे उसके मान को रख देंगे तो हो जाएगा 26 माइनस y प्लस 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। तो 26 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 26 क्योंकि प्लस में है और ये दोनों माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा y बराबर 26 बटे 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13। अब हमारा y का मान निकल गया, y का मान इन दोनों में किसी में भी रख के हम अपने x के मान को निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं x माइनस y बराबर 26, तो y का जो मान है उसे हम रख देंगे तो हमारा y का मान है 13 बराबर 26 प्लस 13 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा हमारा आंसर। हम अपने तीसरे क्वेश्चन के दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, तो इसमें भी हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, वो पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है। तो दूसरा हमारा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें छोटा कोण और बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना कि बड़ा
कोण बराबर एक्स तथा छोटा कोण बराबर वाई। तो प्रश्न से तो हमारे प्रश्न में लिखा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 18। हम y को इधर ला देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा बराबर 18। ये हमारा समीकरण एक। अब नौ प्रश्न से तो हमारा प्रश्न है दो संपूरक कोण। तो हम जानते हैं यह संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हम ये हमारा समीकरण दो हो गया। हमें अब इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, या तो हम समीकरण एक को ले लें या तो दो को ले लें। तो हम समीकरण एक से हमने समीकरण एक को ले लिया, तो हमारा समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 18 डिग्री प्लस वाई। अब हम x के मान को अपने समीकरण दो में रख देंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर तो हमारा समीकरण दो है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हमारा x का मान हो गया 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो जब इसे 18 डिग्री को हम बराबर उधर ले जाएंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो हमारा यह 2y बराबर 180 डिग्री और ये माइनस 18। तो ये y बराबर 2y बराबर हो जाएगा हमारा 162 डिग्री। अब हम जब हमारा ये 162 डिग्री हो जाएगा, तो अब हम इस दो को भाग के रूप में आ जाएगा बराबर दो हो जाएगा, तो 162 बटे दो घटा लेंगे हमारा 81 डिग्री वाई का मान आ गया। अब हम अपने वाई के मान को या तो समीकरण एक में ले या तो समीकरण दो में रख के अपने एक्स के मान को निकाल ले। तो मैं समीकरण एक में ही रख के एक्स के मान को निकाल दे रहा हूं, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर तो हमारा समीकरण एक है जो है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो हम y के स्थान पे y का मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो बराबर के उस तरफ तो प्लस में जाएगा 18 डिग्री प्लस हमारा 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री हमारा आंसर हो गया। हम अपने तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और गेंद की मतलब प्रत्येक बल्ला और गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य माना कि एक
बदले का मूल्य बराबर एक्स रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपये। तो क्वेश्चन प्रश्न से तो हमारे प्रश्न में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी जिनका कुल मूल्य है 3500। तो 7 बल्ले खरीदी तो हमारा एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया है, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस 6 गेंद खरीदी तो हमारा एक गेंद का मूल्य y, तो ये हो जाएगा 6y और दोनों को जोड़ेंगे तो उसका कुल मूल्य होगा 3800 रुपया। तो ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब पुनः प्रश्न से तो हमारा प्रश्न है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे, तो हम 3 गेंद खरीदिया तो ये हो जाएगा 3 बल्ले खरीदे तो 3x और प्लस 5 गेंद खरीदे तो 5y बराबर 1750। ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो हम या तो समीकरण एक को ले ले या तो दो को ले ले, तो हम समीकरण एक को ले ले रहे हैं। समीकरण एक से तो हमारा समीकरण एक है 7x प्लस 6y बराबर 3800। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो हमारा 6y बराबर 3800 माइनस 7x y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6। अब हम y के मान को अपने समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब हम इसमें y के स्थान पे y के मान को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 0 8 5 40 6 0 4 और 9 4 19 और ये माइनस 35 7 5 35x हो जाएगा बटे 6 बराबर 1750। तो अब हम इसका भिन्न क्या जोड़ करेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, अब ये भिन्न की जोड़ के रुक क्या हो गया, तो हम इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो हमारा 6 और 1 का लसा हमारा 6 हो जाएगा, 6 में 1 से 6 भाग देंगे तो हमारा 6 आएगा, ये हो जाएगा 18x। अब हम 6 में 6 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 में इससे गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा ये उतना ही रहेगा, क्योंकि 1 में किस संख्या से गुणा करते हैं किया था तो संख्या का मान उतना ही रहता है 35x बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है माइनस 35x बराबर। अब हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10500। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर की तरह लाएंगे तो और 35 में से, क्योंकि 35 है माइनस है उसे 18 से घटा लेंगे तो हमारा आएगा माइनस 17x बराबर 10500 माइनस 19000। तो हम जब 10500 में 19000 को घटा लेंगे
तो ये आगे हमारा आएगा माइनस 17 एक्स बराबर हमारा आएगा 8 माइनस 8500 और ये माइनस माइनस कट जाएगा बराबर एक्स बराबर 8500 बटे 17 इसको कटालेंगे हमारा आएगा 500 यानी कि हमारा एक्स का मान 500 आ गया। अब हम एक्स के मान को या तो समीकरण एक में रख के निकाल लें या तो समीकरण दो में रख के निकाल लें। हमारा समीकरण एक था, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण एक हमारा था 7x + 6y = 3800। अब हम इसमें एक्स का मान रख देंगे तो हमारा एक्स का मान आया 500, तो एक्स के स्थान पे एक्स का मान रख देंगे तो हमारा जाएगा 7 × 500 और प्लस 6y = 3800। तो जब हम इसमें इसे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500 + 6y = 3800। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इसे बराबर के उधर लाएंगे, हो जाएगा 6y = 3800 - 3500। जब हम 3800 में 3500 घटाएंगे तो हमारा 300 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 6y इधर गुणा के रूप में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/6। जब इससे 300 में 6 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 50 रुपया, इसलिए लिखेंगे लिखेंगे इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर, हम बल्ले को x से सूचित किए थे इसलिए x बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर, हम गेंद को y से सूचित किए थे इसलिए हमारा y का मान 50 है, तो ये जाएगा 50 रुपया हमारा आंसर हो गया।